नमस्कार, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल हम सच का सौदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें अंबाला के यहाँ म्युनिसिपैलिटी में एक सदस्य के लिए चुना जा रहा था। उसमें ठाकुर हनुमंत राय और लाला हशमत राय हेडमास्टर थे, ये दोनों उस सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे पंडित जी सर्वदयाल सिंह एक भाषण देने वाले थे। और कल मैं आप लोगों को ये भी पूछा था कि इस भाषण किस पक्ष दिया जा रहा है, ये बताया था। चलो आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी पंडित जी बोलते हैं, भाषण देना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, यानी मैं कहता हूँ कि आप खास आदमी को वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि मैं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करें श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल हम सच का सौदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें अंबाला के म्युनिसिपैलिटी के यहाँ सदस्य के लिए चुनाव जा रहा था। उसमें ठाकुर हनुमंत राय भी इस सदस्य के चुनाव में खड़े हो जाते हैं और उनके मुकाबले में लाला हशमत राय, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, वे भी खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों के लिए एक भाषण, यहाँ पे भाषण के लिए एक कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें पंडित सर्वदयाल भाषण देने वाले थे। और आप लोगों को ये भी पूछा गया था कि पंडित जी किसके पक्ष में भाषण देंगे, तो आज हम देखेंगे पंडित जी यहाँ पे किसके पक्ष में भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यहाँ नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि जो कुछ करें सो समझ कर करें। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मेहनत रहता हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप खास आदमी को वोट दो, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी वोट देंगे आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिए। यानी आप लोग भी इलेक्शन में देख रहे होंगे, आपके घर के पास या ग्राम पंचायती इलेक्शन, जिला पंचायती इलेक्शन, जिन्हीं भी सदस्यों के इलेक्शन, वहाँ पे घर आते हैं वे लोग, ए हमें वोट डालिए, हमें वोट डालिए, और यहाँ पे पैसा देकर वोट खरीदने के लिए सोचते हैं। जब सोचो हमें पैसा लेकर वोट डालेंगे तो हमारा वोट हम बेच दिए जैसा है, इसलिए हम लोग सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। जैसे कि सर्वदयाल जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं, हमें जब भी वोट डालना है सोच समझ कर वोट डालना है। इस वोट का अधिकार वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश जाति और जाति के प्रति सहानुभूति हो। देखो, ये वोट का वही अधिकार है जिसके हृदय में करुणा हो, दूसरे के लिए करुणा रहना चाहिए, देश के लिए प्रेम रहना चाहिए और जाति के प्रति सहानुभूति रहना चाहिए। हर धर्म को वह सम्मान करना चाहिए, देश प्रेम करना चाहिए और जाति के लिए सहानुभूति जो रहता है उसे हम लोग वोट देकर जिताना चाहिए। उसे हम वोट देकर जिताएंगे तो सर्व धर्म का क्या करेगा, सम्मान करेगा, हर जातियों का सम्मान करेगा और अच्छे से क्या करेगा, वो संविधान को आगे लेते जाएगा। जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मग्न रहता हो। देखो, जो अच्छा इंसान साधारण लोगों के साथ घूमता रहता है और लोगों को क्या करते हैं, मानवों को ऊंचा उठाने के लिए, जो गरीबों को मदद करने के लिए, सबकी सहायता करने के लिए रात दिन मेहनत करता हो, ऐसे लोगों को हम लोग जिताना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। इस तरह वे पंडित जी भाषण करते रहते हैं। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे। देखो यहाँ पे ठाकुर हनुमंत राय को एक यकीन था कि पंडित जी मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, वे मेरे पक्ष में ही बात करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित जी सर्वदयाल बुलाए गए।
उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? देखो क्या करते हैं, ठाकुर जी को लगा था कि पंडित जी मेरे पक्ष भाषण देंगे क्योंकि वे मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे पक्ष भाषण देंगे जरूर, ऐसा वे सोचे थे। मगर वहाँ भाषण वे किन अशमत राय, लाला अशमत राय के उसके यहाँ इसके यहाँ दोनों भी तरफ बात नहीं करते, मगर वे इतना बताते हैं कि आप वोट देंगे सोच समझ कर वोट दो, जो दूसरों के भला के लिए, देश के लिए, सबके लिए जो सोचता है, छोटे लोगों के साथ घूमता है, वैसे लोगों को आप लोग वोट दीजिए, ऐसा वो कहते हैं। तो इसका मतलब आप हेडमास्टर जो सबके साथ घूमते हैं, सबके लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ये सब देखकर क्या होता है, ठाकुर के खिलाफ भाषण, ऐसा उन्हें लगता है। और वे क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। जब पंडित जी आ जाते हैं तो जब कहते हैं, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे? देखो ठाकुर जी पूछते हैं, क्यों पंडित जी, मैं क्या अपराध किया जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है, यहाँ सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोले, देखो पंडित जी क्या होते हैं, पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वदयाल बोलते हैं, ठाकुर साहब, मैंने किसी के पक्ष में नहीं बात किया, मैंने तो सच का साथ दिया है, ना मैं आपके पक्ष में बात किया हूँ, ना हेडमास्टर के पक्ष में बात किया हूँ, मैं तो केवल सच का साथ दिया हूँ, ऐसा सर्वदयाल कहते हैं। यहाँ सुनकर ठाकुर जी क्या कहते हैं, यहाँ सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब क्रोध में बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। देखो यहाँ तुम्हें महंगा पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आपको नौकरी से निकाला जाएगा वगैरह वगैरह, इसका मतलब होता है। मगर यहाँ पे सर्वदयाल डरे नहीं, सर उठाकर कहे, सच के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सर्वदयाल कहते हैं। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? देखो ठाकुर क्या पूछ रहे हैं, आप सच के लिए नौकरी और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ेंगे? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी, सर्वदयाल जवाब दिए, हाँ मैं नौकरी और प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सच के लिए लड़ूंगा, ऐसा वो कहते हैं। उस हशमत राय के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, उस हशमत राय के लिए नौकरी प्रतिष्ठा छोड़ोगे? जब सर्वदयाल कहते हैं, नहीं, हशमत राय के लिए ही नहीं, सच्चाई के लिए नौकरी और प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सर्वदयाल कहते हैं। फिर देखो क्या होता है, इसके दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया और स्वीकार भी हो गया। देखो तीसरे दिन क्या करता है, पंडित जी नौकरी से निकालने से पहले वे त्याग पत्र, रिजाइन लेटर भेज देते हैं पंडित किनको, ठाकुर जी को, और ठाकुर उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। लाला हशमत राय ने यहाँ समाचार सुना तो भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास आए और खूब समझाया कि वे अपना त्याग पत्र वापस ले लें, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब ये समाचार हेडमास्टर सुनते हैं, हशमत राय सुनते हैं, तो भागे भागे सर्वदयाल के पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं, आप क्यों त्याग पत्र दिए हैं, वे त्याग पत्र वापस ले लो और फिर से जॉब चले जाओ, ऐसे कहते हैं। मगर उनका इसका कोई असर नहीं पड़ता और वे त्याग पत्र वापस नहीं लेते हैं। इधर ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता ना मिली तो नाक कट जाएगी। धन्यवाद पुरुष थे, थैली की मुंह खोले दिए, वोटर पर रुपये की बरसात होने लगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब क्या हो गया है, सर्वदयाल काम छोड़ दिया है, काम छोड़ने के बाद वो ऑफिस काम के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हशमत राय भी इलेक्शन में खड़ा है, अब एक मौका, इलेक्शन में हम लोग ना जीते तो यहाँ पे हमारा नाक कट जाएगा, क्या है, चुनाव का दिन आया। फिर क्या होता है, चुनाव नहीं, उससे पहले क्या होता है, देखो इधर ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, क्या सोचता है, यदि अब भी सफलता ना मिली, इतना होने के बाद भी मैं हार गया तो मेरा नाक कट जाएगा, हशमत राय की जीत हो जाएगी, ऐसा वो सोचकर क्या कहता है, धनवान पुरुष थे और बहुत पैसे वाला था, इसलिए क्या करता है, थैली का मुँह खोल दिया, क्या है, वटारों पर रुपयों की बरसात होने लगी। वो क्या करता है, बहुत पैसा रहने के कारण पैसा लाता है और गली गली में क्या है, रुपया बरसाने लग जाता है, आप मुझे वोट दो, आप मुझे वोट दो बोलकर सब लोगों को पैसा बांटने शुरू कर देता है। हनुमंत फिर क्या होता है, देखो
चुनाव का दिन आया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हसमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमंत राय को पूरा यकीन था कि वे ही विजयी होंगे, परंतु परिणाम निकला लाल हसमत राय के वोट अधिक थे। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो क्या है, सब इधर उधर पैसा बांट देने के बाद चुनाव शुरू हो जाता है। लाला हसमत राय और हनुमंत राय, कौन, ठाकुर हनुमंत राय, इन दोनों में दिल धड़कने लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर हनुमंत राय का यकीन था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा खर्च किया हूँ, मैं ही जीतूंगा, इन्हें यकीन था। मगर परिणाम उल्टा निकलता है, हसमत राय के वोट अधिक हो जाते हैं, क्योंकि हसमत राय को ज़्यादा वोट मिलते हैं। इसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपिंडी में अपने घर के लिए रवाना हुए। विवश होकर उन्होंने यहाँ एक दुकान खोली, परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती है, जो झूठ बोल जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्वदयाल सिंह तो क्या होते हैं, इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे चले जाते हैं। इलेक्शन में हेडमास्टर लाला हसमत राय की जीत होती है और ठाकुर की हार हो जाती है। ये सब होने के बाद क्या होता है, वहाँ रहने वाले सर्वदयाल अपने गाँव चले जाते हैं, अपने रावलपिंडी अपने गांव को जाकर इधर उधर नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ना मिलने के कारण वे क्या करते हैं, एक दुकान खोलते हैं। मगर यहाँ पर दुकान चलाने के लिए जो कुछ भी चालें चलती है, दुकान चलाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वे यहाँ पर सर्वदयाल को नहीं होता है। फिर भी क्या होता है देखेंगे आगे। यहाँ पर देखो चुनाव का है, बहुत सारे यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। फिर क्या होता है, सर्वदयाल अपने गांव आके दुकान रख लेता है। तो फिर देखो आगे क्या होता है, उनसे पंडित सर्वदयाल के गुणाती उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। देखो उनके दुकान चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने की चालें चलना पड़ता है। मगर पंडित सर्वदयाल उनसे क्या होता है, गुणाती उनके अंदर एक गुस्सा थी कि उनके अंदर एक नफरत थी कि क्या थी, मेरे पास यहाँ सच का सौदा है, मैं कैसे दुकान चलाऊँ, ऐसा वो सोचते हैं। फिर भी मैं सच्चाई के रास्ते में चल रहा हूँ, मुझे अच्छा ही होगा, ऐसा वो सोच के आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था, पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। देखो जब दुकान में बैठे रहते हैं, दुकान बैठ के क्या करते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, रफीक हिंद का दूसरा अंक, जो पहला अंक तो कौन, सर्वदयाल सिंह ही निकाल लेते, अब दूसरा अंक पढ़ते रहते हैं। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकी और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। उन्होंने देख कर पंडित सर्वदयाल को हैरानी हुई, उन्हें देख कर क्या होती है, पंडित सर्वदयाल को हैरान होती है। जैसे वो अखबार पढ़ते रहता है, वहाँ से एक गाड़ी आती है, गाड़ी आकर उनके दुकान के सामने खड़ी हो जाती है और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय उतर कर निकलते हैं। उन्हें देखकर सर्वदयाल सिंह को हैरान हो जाती है। फिर देखो क्या होता है, ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, आह पंडित जी बैठे हैं, यहाँ दुकान अपनी है क्या? देखो क्या पंडित जी, आप यहाँ पे बैठे हैं, ये दुकान आपकी है, ऐसा पूछते हैं। जब सर्वदयाल, जी हाँ, पंडित सर्वदयाल ने धीरज से उत्तर दिया, जी हाँ ये मेरा ही दुकान है। ठाकुर साहब ने उनको चुपती हुई दृष्टि से देखकर कहा, यहाँ काम आपकी योग्यता का अनुकूल नहीं है। देखो ठाकुर साहब उसे देखते हैं चुपती नज़र से, यानी उनके देख कर, ये काम आपकी योग्यता का नहीं है, आप तो बड़े महान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और ये काम कर रहे हैं, ऐसा उन्हें कहते हैं। जब पंडित सर्वदयाल बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वहाँ करना पड़ता है, जो उनके योग्य नहीं होता, मैं भी उनमें से एक हूँ। देखो क्या कहते हैं, उतना कहने के बाद, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं करना पड़ता है फिर भी वो करते हैं, वो मजबूरन करते रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, ऐसा वो कहते हैं। ठाकुर साहब सोचने लगे, कैसा सुरमा है जो जीवन के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर से उधर नहीं हटता, चोट पर चोट पड़ती है परंतु हृदय सच के सौदे को नहीं छोड़ता। उन्होंने पंडित सर्वदयाल को गले से लगा लिया और कहा, आप धन्य हैं, मैंने आप पर बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। रफीक हिंद को संभालिए, परमात्मा करें
आप पहले की तरह सच्चे विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहें। देखो मेरी यही कामना है। देखो वहाँ क्या करते हैं, एक कैसा इंसान है जो इधर उधर कितने मुसीबतों पे मुसीबतें आए, काम से निकाला गया, दूसरे काम ना मिले, फिर भी आप आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक सच्चे के रास्ते पर चलने वाले हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बहुत खुश नसीब है आप लोग, कहकर पंडित जी को ठाकुर जी क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं आपको बहुत अन्याय कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप रफीक हिंद संभालिए, वो पत्रिका आप ही संभालिए और परमात्मा करे आप पहले की तरह फिर से भी निष्ठावान रहे, न्यायप्रिय रहे और दृढ़ बने रहें, आप उसी तरह काम करें, ऐसा वो कहते हैं। मेरा यकीन है कि आप अच्छे से अच्छे फिर से क्या है रफीक हिंद पत्रिका संभालेंगे, ऐसा वो कहते हैं। फिर देखो, मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात बोलते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। देखो क्या कहते हैं ठाकुर जी, कहते हैं मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, हमेशा बोलते रहते हैं मगर थकते नहीं बोलते, जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। यानी सत्य वैसा, निष्ठा ऐसा, सब कुछ न्याय के बारे में बात करते हैं, जब परीक्षा आने पर सब कुछ भूल जाते हैं, कोई उसके बारे में डटे नहीं रहते हैं। एक आप ही है जिन्होंने इस जादू पर विजय प्राप्त की है। देखो क्या करते हैं, एक आप ही ऐसे इंसान है जो सच्चाई के रास्ते में जादू किए हैं, इस जादू पर विजय प्राप्त किए हैं, ऐसा कहते हैं। पंडित सर्वदयाल की आंखों से आंसू छलकने लगे, गर्व ने गर्दन झुका दिया, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। देखो पंडित सर्वदयाल की आंखों झलकने लगे, क्या करते हैं, जब ठाकुर जी आकर उन्हें गले लगा कर सब बोलने के बाद सर्वदयाल की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं और वे क्या कहते हैं, गर्व से गर्दन झुका देते हैं। गर्व से क्या करते हैं, मैं जो कुछ किया हूँ अच्छा ही हुआ कहकर गर्दन झुका कर क्या करते हैं, उनकी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, यानी वे काम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटार में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर क्या इतना देर खड़ा, क्या है, क्या इतना देर आई। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटार में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर क्या इतना देर खड़ा मांगटा। देखो उसको हिंदी ठीक से बात करने नहीं आती है, इसलिए वो कह रहे हैं, क्या ठाकुर साहब इतनी देर दुकान के पास खड़े होकर क्या मांग रहे थे। जब वहाँ ठाकुर जी कहते हैं, वह चीज़ जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती, बोलते हैं वहाँ चीज़ मांग रहा था जो किसी भी दुकान में नहीं मिलती है। जब अंग्रेज़ बोलता है, कौन सा, जब ठाकुर साहब कहते हैं, सच का सौदा। लेकिन अंग्रेज़ कुछ ना समझ सका और मोटर चलने लगी। यानी हम लोग ईमानदार के साथ आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी जीत हमेशा होके ही रहेगी। तो आप लोगों को इस पाठ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल गया होगा। तो इस पाठ से हमें यहाँ पे सीख मिल रहा है, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता तथा आत्मसम्मान। जब हमें सच्चाई की राह पर चलेंगे, ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ रहेंगे तो हमें सम्मान भी मिलेगा, हमें गौरव भी मिलेगा, हमारे जीवन में सफल भी होंगे। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा, या आप लोगों को यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को नीचे इसी तरह दिए गए हैं। आप लोगों को इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने CW में लिखिए, CW में लिखकर नोट्स तैयार कीजिए और परीक्षाओं के लिए तैयार भी हो जाइए। तो चलो, आशा है कि आप लोगों को इस पत्र, इस कहानी के बारे में, सच का सौदा, इस कहानी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। आशा है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं और CW भी तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों, एक अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।